हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जैसे भारत निर्वाचन आयोग भी कहते हैं। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो एक ऑटोनॉमस बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और जो इलेक्शन प्रोसेस जो होती है इंडिया की वो कंडक्ट कराती है। ये जनरली लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराती है। इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25th of January 1950। एट प्रेजेंट एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है एंड दो इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होता है उसे पार्लियामेंट की जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है उसके द्वारा ही हटाया जा सकता है अपने पद से। तो हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में देखते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो कार्यकाल होता है, टेन्योर होता है, वो 6 साल होता है या 65 ईयर्स ऑफ एज होता है। इन दोनों में से जो भी वह पहले अटेन करता है तो उतना उसका कार्यकाल होता है। सपोज कोई 61 की एज में इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया बनता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और वो 61 ईयर का है तो उसको केवल 4 साल यह पद मिलेगा, क्योंकि 65 ईयर्स वो पहले अटेन कर लेगा। और इसको जो हटाने की मेथड है, जो सेम मेथड है जिस मेथड से सुप्रीम कोर्ट के जजेस को हटाया जाता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोबारा से अपॉइंट नहीं किया जा सकता है इस पोस्ट के लिए, और रिटायरमेंट के बाद ये कोई और जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होता है उसको होल्ड कर सकता है। CEC होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इसकी जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है। कंसोलिडेटेड फंड वो फंड होता है जिसमें सरकार का टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और जो भी रेवेन्यू आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। अब हम पावर्स और फंक्शंस देखते हैं ECI इलेक्शन कमीशन के। तो ये एक इलेक्शन कमीशन टेरिटरी डिसाइड करता है कि किस विधानसभा की लिमिट क्या होगी, और इसके लिए एक स्पेशलाइज्ड कमीशन है जिसको हम डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं। ये डिसाइड करता है कि किस कॉन्स्टिट्यूएंसी की टेरिटरी क्या होगी, और ये इलेक्टोरल रोल्स और जो वोटर लिस्ट होती है इसको भी प्रिपेयर करता है। डेट और शेड्यूल ऑफ जो इलेक्शंस का शेड्यूल होता है और नॉमिनेशन जो फॉर्म होता है इलेक्शन फाइट करने का, वो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इलेक्शन कमीशन जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं और फ्री इलेक्शन लड़ते हैं, मतलब निर्दलीय लड़ते हैं, तो उसको चुनाव चिन्ह होता है, सिंबल होता है, वो भी प्रोवाइड कराता है। और कोई भी डिस्प्यूट होता है पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्शन सिंबल को लेके, तो ये एज अ कोर्ट भी रोल प्ले करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करता है, जिसमें चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर शामिल है। हम इलेक्शन कमीशन के कुछ की फंक्शंस देखते हैं। डेडिकेटेड होता है फ्री एंड रीजनेबल इलेक्शंस के लिए। ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करता है, उसकी डेट डिसाइड करता है, यह डिसाइड करता है कि कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है इलेक्शन लड़ने के लिए या नहीं। एक लिमिट भी तय करता है चुनाव के प्रचार की सारी पार्टियों के लिए। इसमें यह निष्पक्ष जो बॉडी है बिल्कुल, यह फ्री एंड फेयर, कितने भी ऑपरेशंस होते हैं इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस होते हैं उनको फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी के साथ करता है। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको एनुअली रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन के पास, जो टैक्स बेनिफिट्स हैं और कंट्रीब्यूशन के, मतलब कोई भी पार्टी कितना कंट्रीब्यूशन, कितना डोनेशन ले रही है, कितना टैक्स पे कर रही है, उसकी रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करनी हो। और इलेक्शन कमीशन एंश्योर करता है कि सारी पॉलिटिकल पार्टी रेगुलरली जो ऑडिट होता है उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट कर रही है या नहीं। इलेक्शन कमीशन की मेन ड्यूटीज देख लेते हैं। टू सुपरवाइज, डायरेक्ट कंट्रोल एंड कंडक्ट ऑल इलेक्शंस टू पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, एज आल्सो टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। टू सेट डाउन जनरल रूल्स फॉर इलेक्शंस, जो रूल्स होते हैं इलेक्शन के वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। हमने देखा था कॉन्स्टिट्यूएंसी और जो वोटर लिस्ट होती है वो भी इलेक्शन कमीशन के द्वारा ही प्रिपेयर होती है। और टू गिव क्रेडिट टू पॉलिटिकल पार्टी, टू अलॉट इलेक्शन सिंबल्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज एंड इंडिविजुअल कंटेस्टेंट्स,
to appoint tribunal for the decision of doubt and disputes arising out of or in connection with election to parliament and legislature. ये था election commission के बारे में हमारा आज का video. I hope you like the video. If you like the video, then please share, subscribe and comment. Thank you so much.